आज इसके जन्मदिन पर कुछ लिखा है, अपना और इसका रिश्ता शब्दों से बयां किया है। ये वो टाइम था जब हमने एक दूसरे को पहली बार देखा था। ना सेम स्कूल था, ना सेम ड्रेस थी। रश वाली बस में मैं अकेली और उसके साथ उसकी दोस्त थी। एक सीट पर बैठ गए, एक जगह ही जाना था। किसको पता था, ये तो जान पहचान का एक बहाना था। कोइंसिडेंस तो देखो, मैंने भी उसके स्कूल में ही एडमिशन ले ली। क्लास सेम पर सेक्शन में प्रॉब्लम हो गई। ऑड इवन वाले सेक्शन की ये कहानी थी। बस एक बेंच पर बैठने वाली फीलिंग हमने ना जानी थी। बाद में पता चला कि वो तो मेरी नेबर थी, फिर तो बोल बोल के मुझे पागल कर देती थी। 15 अगस्त 2015 का वो दिन था जब मेरे साथ उसका पहला जन्मदिन था। याद है मुझे, मैं उसके लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट लाई थी। मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे अपने घर लाई थी। बस उस दिन से फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई। 365 दिन में से सिर्फ 65 दिन की एक दूसरे से दूरी रही। कभी वो मेरे घर तो कभी मैं उसके घर। रात को सोते थे 4 बजे तक। कभी तो रात को 2 घंटे सोकर भी सुबह स्कूल गए हैं। आंखों में नींद और होठों पर मुस्कान लिए हाथ पकड़ के स्कूल गए हैं। फिर एक दिन हम दोनों एक दूसरे से रूठ गए थे और फिर घर जाकर दोनों ही बहुत रोए थे। उसे मेरा इंतजार था और मुझे उसका। बस फिर दूर रहने का तो नाम ही नहीं था। सब कुछ भूल कर जोर से हक करा, तब जाके दिल को वो सुकून मिला। हर रिश्ते की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, पर वो भी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं थी। स्कूल खत्म और कॉलेज के वो दिन थे। फिर कॉलेज अलग थे पर मिलते तो रोज थे। अगर वो जल्दी फ्री हो गई तो वो मेरा वेट करती थी, और अगर मैं जल्दी फ्री हो गई तो मैं उसका वेट करती थी। क्योंकि साथ में संजौली की वो गेड़ी मारना तो कंपल्सरी थी। शॉपिंग दोनों अलग करते पर सेम चीज उठा कर ले आते हैं। कभी तो कहीं बाहर जाने के लिए कोइंसिडेंस वाली ट्विनिंग भी हुई है। चलते चलते सेम चीज सोचना और सेम टाइम पर सेम चीज बोलना, एक इशारे से एक दूसरे की बात समझना और आंखों से बातें करना, इसी को तो कहते हैं सेम लेवल ऑफ थिंकिंग वाली फ्रेंड। उसके दुख में मेरा दुखी होना और मेरी खुशी में उसका शामिल होना, उसके बर्थडे आने पर मेरा एक्साइटेड होना और मेरे बर्थडे आने पर उसका एक्साइटेड होना। इस रिश्ते को क्या नाम दें, ये आज तक सोचते हैं। फ्रेंड्स कम और बहनें ज्यादा लगते हैं, पता नहीं क्या है, पर दिल की गहराइयों से जुड़ा है और यही दुआ है हमेशा जुड़ा रहे। दूर रहकर भी हम दिल से पास रहें। सो हैप्पी बर्थडे अंजलि, यू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ। हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू।